हेलो स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको। द एरिया ऑफ द रीजन एस इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x² लेस देन इक्वल टू 4y लेस देन इक्वल टू 6x + 24 इज। तो जब भी इस तरह का इनइक्वालिटी फॉर्म एरिया रहे तो आप इक्वल पे कर्व बनाएंगे और फिर देखेंगे कौन सा रीजन के बारे में कह रहा है एरिया फाइंड करने के लिए। तो जैसे हमने पहले इसका लेंगे 3x² इक्वल टू 4y, 3x² इक्वल टू 4y, यानी कह सकते हैं कि x² इक्वल टू 4y 3y। यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं x² 4y 3, लेकिन हम इक्वेशन बनाएंगे कर्व बनाएंगे x² इक्वल टू 4y 3y का। तो ये कर्व आपका x² इक्वल टू y के जैसा दिखेगा, x0 y0, ये पैराबोला बना। अब सेकेंड कर्व ले लेते हैं इसका, 4y इज लेस देन इक्वल टू 6x + 24। तो इक्वल पे कर दीजिए, तो वेन वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू कितना -4, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा क्योंकि सिंगल स्ट्रेट लाइन है। वेन एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 6, एक स्ट्रेट लाइन आपको ऐसे, ठीक है, ये पॉइंट आपका -4, 0, ये पॉइंट आपका 0, 6। लेकिन अब कह रहा है कि एरिया ऑफ इनइक्वालिटी देखेंगे, ठीक है, तो 4y लेस देन इक्वल टू 6x + 2y, ये इधर का पार्ट होगा या ऊपर का पार्ट होगा वो देखिए। ये पॉइंट है आपका 0, 6, तो जैसे ही अगर मान लीजिए हमने ये पॉइंट लिया 0, 7, ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी को क्या कर रहा है, नॉट सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि y का वैल्यू 7, 7 इज लेस देन इधर वाला पार्ट आप कह रहे हैं x है आपका 0 + 24, ठीक, और y है आपका 6, तो ये हो गया 7 रखे हैं तो ये 4 × 7 28 इज लेस देन 24, इट इज करेक्ट। नोट, हमने एक पॉइंट लेके चेक किया ये 0, 7 पे, तो 4 × 7 28 लेस देन 0 + 24, 24, यानी 28 इज लेस देन 24। नोट, यानी ये पार्ट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ये कह रहा है कि डाउनवर्ड। और फिर इसी तरह देखेंगे 3x² इज लेस देन इक्वल टू 4y, तो ये पार्ट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 0 हो गया और ये लेस देन इक्वल टू 4 × तो आपका ये रीजन मिलेगा, ठीक है, ये रीजन का एरिया आपको फाइंड करना है। अब ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट आपको देखना है, ये दोनों कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो एक इक्वेशन है आपका 3x² का और इस दोनों को देखिए सॉल्व करके 3x² इक्वल टू 6x + 24। ठीक है, जब इस दोनों को इक्वेशन पे लेंगे तो 3x, क्योंकि ये भी वैल्यू है सेम, ये हटा देंगे तो 3x² लेस देन इक्वल टू 6x + 24 आएगा। तो इक्वल टू पे हम देख रहे हैं आपका कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, वैसे आपको ये लाइन का और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सेम आंसर आएगा उसमें भी 3x², तो 3 से कैंसिल कर देंगे तो x² -2x - 8 इक्वल टू इधर आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव। तो ये बना आपका x² -4x और फिर +2x - 8 इक्वल टू 0, सो x - 4 × x - x + 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -2। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा आपको, इसमें हम y का कोऑर्डिनेट नहीं ले रहे हैं अभी, केवल x का, -2 जो भी है ये अल्फा है और ये y का ये 4, β है। अब आपको इसका एरिया निकालना है तो इंटीग्रेट कर देना है, कहाँ से कहाँ तक, -2 से 4 तक, y1 - y2 × dx, तो यहाँ से y, पहले ये एरिया ज़्यादा होगा तो y का वैल्यू क्या हो गया 6x + 24/4 - फिर इसमें y का वैल्यू
y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3x² / 4, 3x² / 4, इसका आपको एरिया इंटीग्रेट करके फाइंड कर रहे हैं। सो देखिए 6/4 ऑफ x² / 2 प्लस ये हो गया 6x, फिर माइनस 3/4 x³/3, अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट -2। सिक्स बाई ये फोर था, तो ये हो गया आपका 3/4 ऑफ x², तो अपर लिमिट हो गया 16 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4, फिर प्लस 6 ऑफ 4 माइनस माइनस प्लस 2, फिर निगेटिव 3 ऑफ ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 फिर x³, अपर लिमिट हो गया 64 माइनस लोअर लिमिट -8, तो ये हो गया +8। सो 3/4 इंटू 12 प्लस 36 माइनस 1/4 इंटू 72, ये हो गया 45 माइनस 18, सो 27। सो आपका ये एरिया निकलेगा कितना, 27 स्क्वायर यूनिट। ओके, थैंक यू।